स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग योर स्टडी एट होम। बेटा, अब तक आज से पहले काफ़ी दिन हो गया, आपकी हिंदी की वीडियोस नहीं जा रही थी। थोड़ा सा टाइम सेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, है ना? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आपके टाइम एक्सटेंड कर दिया है, 1:15 तक जाता है ना? और बेटा, आपका लास्ट पीरियड जो है हिंदी का है, तो हम लास्ट पीरियड में आपको हिंदी की वीडियो देंगे। मींस आपको हम 12:30 बजे के बाद आपको हिंदी की वीडियो मिलेगी। 1:15 तक आपकी क्लास होती है ना? ओके, तो आपको 12:30 बजे के बाद हिंदी की वीडियो मिल जाया करेंगी, ठीक है? तो आपको आज से हम स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 8। बेटा, वो पोएम तो हो गया है ना, क्योंकि वो सिर्फ रीडिंग के लिए था। और फिर अब स्टार्ट करते हैं सुनहरे मोर, ठीक है? आइए देखते हैं, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 8, सुनहरे मोर। ओके, चलिए हम लोग रीडिंग करते हैं। क्या है इसमें? बहुत समय पहले की बात है, राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। ये एक राजा हैं बेटा, उनका नाम है कृष्णदेव राय, वो विजयनगर के राजा थे। एक दिन एक दरबारी ने उनसे धन पाने की योजना बनाई, ठीक है? उसने एक कुशल चित्रकार से एक मोर पर सुनहरे रंग करवाया। बेटा, क्या होता है कि एक मोर पे सुनहरा रंग, गोल्डन रंग रंगवा दिया। चित्रकार ने मोर को इस प्रकार से रंग दिया कि कोई भी उसके रंग को नकली नहीं बता सकता था। ओके, क्या हुआ, मोर को इतने अच्छे से कलर कर दिया कि मोर लग रहा था जैसे सोने का है, ठीक है? दरबारी ने उस मोर को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, यह जंगल में पाया जाने वाला सबसे दुर्लभ प्रजाति का मोर है। मैंने इसे पाने के लिए 30,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की हैं, ताकि इस दुर्लभ पक्षी की आपका संरक्षण प्राप्त हो सके, ठीक है? इस दुर्लभ पक्षी को आपका संरक्षण प्राप्त हो सके, मतलब कि वो बोल रहा है राजा को, देखो बेवकूफ़ बना रहा है कि राजा, ये मोर जो है गोल्ड का है, बहुत ही ऐसा रेयर बर्ड है, जो कि मैंने बहुत 30,000 स्वर्ण मुद्राएं गोल्ड कॉइन खर्च करके आपके लिए ये मोर ले आया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो रेयर बर्ड है उसको आपका प्रोटेक्शन मिले, ठीक है? कृपया मेरी ओर से यह भेंट स्वीकार करें। उस दरबारी ने क्या किया, उस मोर को राजा के लिए एज अ गिफ्ट दिया, ठीक है? अब इसके आगे बेटा हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टोरी में कि आगे क्या हुआ, ठीक है? तो आप लोगों का होमवर्क है क्या, आज का होमवर्क है आप लोगों का, होमवर्क यही है कि बेटा आप लोगों को इसकी रीडिंग करनी है। आप लोग जितने अच्छे से रीडिंग करेंगे, उतने ही आपकी हिंदी में बहुत अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे, ठीक है? तो आप जो आपका होमवर्क है कि आपको हिंदी में रीडिंग करना है, ठीक है? इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद छोटा चैप्टर है, कल फिनिश हो जाएगा, कल परसों में, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, आपका रिटन यूनिट टेस्ट भी होने वाला है ना बेटा? तो आप लोग अपनी रीडिंग के साथ साथ लर्निंग भी स्टार्ट रखिए और लर्न भी करते रहिएगा, ठीक है? ओके बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम होती है कुछ भी पढ़ने में या समझने में, तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर बेटा, बाय।